लोकसभा चुनाव 2024 की हो रही मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ की जनता उनका समर्थन करेगी। अभी रुझान कह रहा है कि हम यहां 10 सीटें आराम से जीत रहे हैं। हम कोरबा की सीट भी जीतेंगे। एनडीए लगभग 300 सीटें जीत रही है और जो लोग 228 सीटें जीत रहे हैं और सरकार नहीं बना रहे हैं, वे टिप्पणी कर रहे हैं एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसा कि हमने शुरू से ही कहा है आप सभी को, छत्तीसगढ़ में 10 सीट पर अच्छी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पे आगे है और एक जो सीट है कोरबा की 11 की 11 सीट के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात ही सभी छत्तीसगढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता जितने भी हमारे सभी लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ा। जनता का भी बहुत प्यार आशीर्वाद इसने उनका प्राप्त हुआ है और परिणाम को अभी समय है, लेकिन जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है और लगभग जैसा हम लोगों ने बात करी थी वैसा ही परिणाम छत्तीसगढ़ में आएगा। मैं सभी आपके माध्यम से सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। बहुत ही और अच्छे वातावरण में छत्तीसगढ़ के चुनाव भी हुए और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद है, हमारे मतदाता भाई बहनों को भी धन्यवाद मैं अभी दे रहा हूँ। परिणाम के आने के बाद निश्चित रूप से और इसमें बात करेंगे और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यशस्वी कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ इकाई तक के हमारे, और जिन लोगों ने आज लगातार महीनों से अपना पसीना बहाया, अपनी मेहनत दी है, और सभी वरिष्ठ नेताओं का आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रिमंडल के आदरणीय सदस्यों ने भी रात दिन परिश्रम किया, प्रदेश के पदाधिकारी सहित जिला मंडल हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की पराकाष्ठा की है, तो निश्चित रूप से और बहुत अच्छे परिणाम की ओर छत्तीसगढ़ में हम जा रहे हैं। नहीं 270 तो नहीं, अभी हम 299 की सीट और 300 के आसपास की टेली देख के आ रहे हैं और मुझे ये लगता है कि जो बड़े प्रांत हैं जहां बड़ी लोकसभा का क्षेत्र है और शनि शनि उस पर भी परिणाम अच्छे आएंगे और जैसा कि प्रेडिक्शन था ऐसे एग्जिट पोल के समय भी कुछ जगह जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या हम पश्चिम बंगाल की बात करें, लेकिन क्या है जैसे उड़ीसा की बात थी, छत्तीसगढ़ की बात थी, मध्य प्रदेश 29 की 29, झारखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है सातों का साथ, ऐसे अन्य गुजरात है जैसे, और परफॉर्मेंस अच्छा आया है, आंध्र प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है, तेलंगाना का परफॉर्मेंस भी जैसा सोच रहे थे वैसे ही आया है। निश्चित रूप से एक दो जगह पे अभी टैली में कमी दिखा रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि और धीरे धीरे एक आध घंटे के अंदर ये स्थिति और अच्छी होगी। नहीं ऐसे अभी इस पर तो जब तक इसकी बातचीत समीक्षा का पश्चात ही पता चलेगा कि कौन कौन से नैरेटिव काम किए, कौन कौन से नहीं किए, किस किन बातों पर चर्चा जनता के बीच क्या जाना था, क्या गया क्या नहीं गया, ये तो परिणाम के आने के बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब इसकी बातचीत होगी, समीक्षा होगी, तो निश्चित रूप से सारी बातें होंगी। लेकिन फिर भी अभी भी मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय उनके नेतृत्व में एनडीए की और तीसरी बार लगातार और केंद्र में सरकार बनने जा रही है और अंक गणित का मामला आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता हुआ, लेकिन निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत के साथ और भारतीय जनता पार्टी और अन्य गठबंधन दल के साथ मिलकर एनडीए की सरकार और केंद्र में बनेगी। नहीं अभी भी मेरा ये मानना है कि जो प्रेडिक्ट था, जैसा कि प्रेडिक्शन था, उसके आसपास पहुंचेंगे हम जब मतगणना पूरे हो जाएंगे। जहाँ छोटे प्रांत हैं, जहाँ छोटी लोकसभा, वहां पर थोड़ा सा काउंटिंग अभी तक आ गया है और लगभग लगभग कंफर्टेबल विन की ओर जितने देख रहे हैं उतना जो दिखा रहा है उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है और संख्या आगे बढ़ने की बात है, तो निश्चित रूप से कुछ समय में वो भी पता चल जाएगा। थैंक यू।